ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब जो है हम लोग एवोल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। तो एवोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एम्स ऑल्सो। सो यहाँ पे एवोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवोल्यूशन का मतलब जब भी दिमाग में आता है तो हम लोग का दिमाग पहुँचता है 10th क्लास के हेरिटेड एवोल्यूशन पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट हम लोगों को लगता था लेकिन ईजीएस्ट है। एवोल्यूशन में हम लोग हमेशा जब भी बात करेंगे दैट इज़ हिस्ट्री के बारे में, जो भी हिस्ट्री में पास्ट इवेंट्स हुए और क्या नाम है जो चेंजेस लगातार लाइफ फॉर्म्स में धीरे धीरे आते गए उसको हम लोगों ने एवोल्यूशन बोला। वेरी फर्स्ट में आप पे अगर आप लोग पॉइंट देखेंगे तो कहता है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एवोल्यूशन में दैट मीन्स एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन दी अर्थ। जो लाइफ फॉर्म्स आज एग्जिस्टेड हैं उनकी जो पास्ट लाइफ या फिर हिस्ट्री, क्या क्या उनकी फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या चेंजेस वगैरह आए, ये हम लोग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में पढ़ते हैं। हम लोगों को कैसे पता चला कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो चिंपैंजीज से ज़्यादा बिल्कुल क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ में है, तो वो एक्चुअल में ये जो स्टडी वो जो था वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। सम हाउ अगर हम लोग बात करें तो इवोल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इवोल्यूशन एक्चुअल में क्या है कि जो टाइम टू टाइम जो चेंजेस क्या नाम है फ्लोरा एंड फौना में आ रहे हैं। फ्लोरा की अगर बात करते हैं तो फ्लोरा इज़ एक्चुअली द प्लांट, राइट, प्लांट स्पीशीज एंड फौना इज एनिमल्स वंस, राइट। फ्लावर से फ्लोरा ये दिमाग में रखना है। एंड फॉर दिस अगर हम लोगों ने ये जाना है कि टाइम टू टाइम प्लांट्स में या एनिमल्स में क्या क्या चेंजेस आते गए तो ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ समझ सकते हैं तब जब हम लोगों को पता हो कि लाइफ ओरिजिनेट एक्चुअल में कैसे हुई अर्थ पे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ अगर पढ़ना है कि अर्थ पे जो क्या नाम है लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हम लोगों को अर्थ का एवोल्यूशन जानना पड़ेगा कि अर्थ एक्चुअल में कैसे बने। तो ये आप लोगों को कहीं ना कहीं आई गेस आइडिया है, बिग बैंग थ्योरी वगैरह आप लोग ये नॉर्मली मेनली जानते हैं। तो राइट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। एंड इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मोस्ट ऑफ टाइम्स हम लोगों को एक्चुअल नॉलेज पता तो होता है कहीं ना कहीं लेकिन एग्जैक्टली जो क्या वर्ड का इस वर्ड का मीनिंग है वो हमें नहीं पता, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स या नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या नाम है हमारे पास प्रेजेंट है उनकी हम लोग बात करते हैं। जैसे बायो मीन्स इज लिविंग एंड डाइवर्सिटी दैट इज नंबर ऑफ स्पीशीज देयर आर, राइट, ऑन द लाइफ ऑन द अर्थ एग्जैक्टली। अब इसमें एक चीज़ है कि बायोडाइवर्सिटी में अगर हम लोग बात करें कि बायोडाइवर्सिटी में एक चीज़ क्वेश्चन आता है कि बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से अफेक्ट करती है, राइट। तो अगर सपोज़ किसी भी पर्टिकुलर कोई जो स्पीशीज़ है, हर एक जो क्या नाम है ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट स्पीशीज़ है, चाहे वो प्लांट्स का है, चाहे वो एनिमल्स का है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई एक स्पीशीज़ भी पर्टिकुलरली अगर हट जाती है या रिमूव हो जाती है तो उसकी वजह से यहाँ हमें इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप लोगों को ये चीज़ बतानी चाहिए। और ये अगर हम लोग बात करें तो लास्ट के 3 चैप्टर्स में बायोडाइवर्सिटी पूरा वो है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंस रखता है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, अब लाइफ जो है वो ओरिजिनेट कैसे हुई, राइट। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ में अगर हम लोग बात करते हैं कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, तो उससे पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसमें स्टार्स की बात की गई है, राइट। इसमें एक कहानी ऐसे बताई गई है कि जो स्टार्स हैं, जो आज हम लोग जो जिन स्टार्स को देख पा रहे हैं, वो उन्होंने अपनी जो लाइफ जो क्या नाम है जो शुरू की, जो अपनी क्या नाम है जो जर्नी शुरू की, वो मिलियन ऑफ ईयर्स बैक से शुरू की, जिसकी वजह से आज वो हम लोगों के पास यहाँ तक अर्थ तक पहुँचे हैं, जिसकी वजह से हम लोग उनको देख पाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने स्टार पॉइंट लगाया हुआ, दैट इज स्टेलर डिस्टेंसेज। स्टेलर डिस्टेंसेज आर नन अदर दैन दैट की जो स्टार्स किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट से उस किसी पर्टिकुलर स्टार्स का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने स्टेलर डिस्टेंसेज बोला। और आप लोग ये जानते हैं कि स्टेलर डिस्टेंसेज चाहे किसी भी प्लैनेट की अगर हम लोग बात करते हैं, किसी का भी अगर हम लोग डिस्टेंस मेजर करें तो लाइट ईयर्स में किया जाता है, किलोमीटर्स एंड मीटर्स में तो होना नहीं है, राइट। तो अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी स्टेलर डिस्टेंसेस के ऊपर। बाई चांस 1 मार्क में मे बी क्वेश्चन अगर देते हैं तो देते हैं क्योंकि 1 मार्क अब शुरू हो गए हैं। एंड नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स इज मेंट टू बी एन यूनिक इवेंट। अब ऑब्वियसली आप लोगों को कई बार ऐसा लगता होगा कि दैट मीन्स कि हम लोगों के जो हाथ हैं जिस तरीके से ऐसे कैसे बने होंगे, आईज़ बनी है देखने के लिए, एंड क्या नाम है ये सब इतने सब अलग अलग स्पीशीज़ जो क्या नाम है प्रेजेंट हैं प्लांट एंड एनिमल्स, और कितना इतनी ब्यूटीफुल स्पीशीज़ वगैरह प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो एक्चुअल में यूनिक इवेंट इसलिए कहा गया, राइट।
क्या नाम है, वैसे तो ये क्वेश्चन इतना, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन बाई चांस अगर क्या नाम है बीच में कोई भी क्वेश्चन की लाइन जो है क्या नाम है आ सकती है टिक द करेक्ट में, और क्या नाम है क्योंकि अब MCQ बेस्ड हमारा नीट और एम्स होता है, तो ऑब्वियसली उसमें भी ये चांसेस हैं. तो दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर दैट. ओके, नाउ यूनिवर्स की अगर हम लोग बात करें तो जो यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, मतलब क्या नाम है, पुराना है, राइट? मतलब 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना था ये. और इसमें कंफ्यूज करके टीचर देगा कि 20 बिलियन की जगह मिलियन लिख देगा, और हम लोगों को लगेगा 20 मिलियन था. तो यहाँ पे ध्यान रखना है 20 बिलियन, राइट? एंड अगर हम लोग बात करें तो यूनिवर्स बना क्या है, यूनिवर्स बना कैसे है, बहुत सी गैलेक्सीज हैं जिनका एक्चुअल में मिक्सचर है यूनिवर्स, राइट? गैलेक्सीज काफ़ी क्या नाम है, अलग अलग गैलेक्सीज इकट्ठी हुई और मिलकर उन्होंने यूनिवर्स फॉर्म किया, जिसमें से एक हमारी जो गैलेक्सी जो कि हम लोग मेनली जानते हैं, दैट इज़ मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारी अर्थ प्रेजेंट है. गैलेक्सीज की बात करते हैं तो गैलेक्सीज एक्चुअल में फॉर्म कैसे हुई, तो जो जब क्या नाम है बिग बैंग थ्योरी है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी बीच में, तो जब क्या नाम है उसमें जब वो क्या नाम है एक्सप्लोजन, एक मानता है कि एक एक्सप्लोजन हुआ, और उस एक्सप्लोजन की वजह से क्या नाम है बहुत से क्या नाम है डस्ट एंड जो गैसेस वगैरह थी, जो स्टार्स वगैरह, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स वो फॉर्मड हुए, उनकी हेल्प से क्या कहते हैं क्या नाम है उनका जो मिक्सचर है वो एक्चुअली गैलेक्सीज है, राइट? जिसमें मिटियोर्स वगैरह आते हैं ये उसका कॉन्टेक्स्ट इसमें आप मर्ज कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है. ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जो यूनिवर्स है, अभी अगर हम लोग बात करें यूनिवर्स में ये बहुत सारी अलग अलग गैलेक्सीज जो है इनका ये मिक्सचर है, राइट? ये चीज़ है. नेक्स्ट आता है यूनिवर्स वर्सेस अर्थ इन साइज, मैंने लिखा. अब यहाँ पे एक लाइन थी जो कि इम्पॉर्टेंट है, आई विल शो यू ओवर हियर. दिस वन, राइट? यहाँ पे एक लिखा है कंसीडरिंग, आई गेस यू कैन सी, कंसीडरिंग द साइज ऑफ द यूनिवर्स अर्थ इज इंडेड अ स्पेक. दैट मीन्स अगर हम लोग अर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं और यूनिवर्स से कंपेयर अगर हम लोग करेंगे साइज के उसमें, तो यूनिवर्स जो है वो एक्चुअल में क्या नाम है एक तरीके से हम लोग मान लेते हैं फुटबॉल टाइप है, और जो अर्थ है बिल्कुल पॉइंट साइज है, तो इस वजह से यहाँ पे बताया गया. और नेक्स्ट है बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी की वजह से क्या नाम है हम लोग जो क्या नाम है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो समझना थोड़ा बहुत इजी कंपैरेटिवली हो पाया. तो कैसे, तो एक चीज़ समझते हैं, ये एज अ फ्लो चार्ट मैंने यहाँ बनाया है. ओके, दिस वन. अब व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? तो बिग बैंग थ्योरी एक्चुअल में क्या था, ये जो सिंगल एक्सप्लोजन हुआ, एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जो कि अनइमेजिनेबल है फिजिकल टर्म्स, मतलब इतना खतरनाक एक्सप्लोजन था, और उसकी वजह से अब एक्सप्लोड होगी कोई चीज़ तो ऑब्वियसली. ओके, तो अनइमेजिनेबल थी फिजिकल टर्म्स में, और जिसकी अब कोई भी एक्सप्लोजन अगर होगा सपोज, तो क्या नाम है कोई भी अगर चीज़ एक्सप्लोड होती है तो एक्सपैंड होती है कि नहीं होती है, दूर दूर जाके गिरती है. सपोज़ हम लोगों ने कोई क्या नाम है कोई भी क्या नाम है बॉम्ब वगैरह वो क्या नाम है बॉम्ब नॉट वाला जो पटाखे हम लोग दिवाली वगैरह में जलाते हैं उसको अगर हम लोग बात करें, तो ऑब्वियसली एक्सप्लोजन हल्का सा होता है जिसकी वजह से वो दूर दूर जाके गिरता है. तो इसी तरीके से यूनिवर्स जो हुआ एक्सपैंड हुआ. अगर कोई चीज़ एक्सपैंड होती है तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर कम हो जाता है. कैसे? तो अगर सपोज आपने क्या नाम है मैगी बनाई या कुछ भी बनाया, आपने उसको क्या किया कि क्या नाम है आपने उसको छोटी सी कटोरी में रखोगे तो बहुत जल्दी ठंडी नहीं होगी, लेकिन उसी को अगर आप एक बड़े से कोई बर्तन में या खुले बर्तन में रखते हैं, दैट इज़ प्लेट वगैरह में रखते हैं, तो ठंडी हो जाएगी. तो इसी तरीके से यूनिवर्स जब एक्सपैंड हुआ तो उसका टेम्परेचर जो है वो लो हो गया, राइट? और गैसेस जो है वो कंडेंस होने लगी किसके, ग्रेविटेशन के अंडर. ग्रेविटेशन भी फॉर्म्ड हुआ. अब वो क्या है उसके लिए अभी हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं है. तो अभी कहते हैं फॉर्म द गैलेक्सीज प्रेजेंट इन यूनिवर्स, और यहाँ पे अब जो वो क्या नाम है गैसेस और वो जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो मिलके इन्होंने क्या नाम है क्या नाम बनाया गैलेक्सीज बनाई अलग अलग, और जिसमें से हम लोगों की मिल्की वे गैलेक्सी है. और मिल्की वे गैलेक्सी का जो सोलर सिस्टम है, SS ओवर हियर इज, यहाँ पे जो मैंने SS यहाँ पे लिखा है ये क्या है, सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम जो था मिल्की वे गैलेक्सी का, उसमें अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स बैक बनी. हमारा जो यूनिवर्स है दैट इज़ 20 बिलियन ईयर्स बैक. ओके, और जो 4.5 बिलियन ईयर्स बैक हमारी अर्थ बनी, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, और दूसरा एम्स और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज अर्ली अर्थ. अर्थ, अब जो अर्ली अर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं, अर्थ अर्ली अर्थ का मतलब यहाँ पे बेसिकली जब क्या नाम है लाइफ ओरिजिनेटेड नहीं थी, जस्ट न्यू बनी थी जस्ट अर्थ, राइट? तो लाइफ क्या नाम है जब फॉर्म एग्जिस्ट नहीं थी, तो अर्ली अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था,
और ये हम लोग जानते हैं अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं रहा होगा तो अर्थ का टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा या तो ठंडा होगा, राइट? मीन्स द टेम्परेचर वॉज नॉट मेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. लाइफ फॉर्म्स के लिए एग्जिस्ट होने के लिए एक्चुअली एटमॉस्फेयर नहीं था, राइट? अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ इसकी वजह से क्या चेंजेस आए. अब एक चीज़ मुझे बताओ ज़रा आप लोग कि अगर कोई भी एक्सप्लोजन होता है, राइट, तो ऑब्वियसली उसमें से जो मोल्टन मास है, दैट मीन्स जो पिघला हुआ जो मास टाइप जो फॉर्म्ड होता है उसकी, उसमें क्या नाम है, वो जो मास, पर्टिकुलर मोल्टन मास था, उसमें से कुछ गैसेज जो है वो अराइज हुई. कौन कौन सी? तो ये चार गैसेज हैं. हेयर इज़ वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. और इफ़ यू कंसिडर ओवर हियर कि हमारे एटमोसफेयर में भी जो मेजर अमाउंट ऑफ क्या नाम है गैसेज हैं वो यही हैं, राइट? और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज ऑल्सो द थिंग, बट यहाँ पे वैसे अगर हम लोग देखें तो ये भी हमारे पास कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है. और इन्होंने क्या है, पूरे अर्थ का जो सर्फेस जो है वो कवर किया. अर्थ के सर्फेस को कवर करने के बाद अब आप लोग जानते हैं कि अब यहाँ से जो है एटमोसफेयर बनना शुरू हो गया. ओके, तो अगर हम लोग अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, जो सन है इसमें एक चीज़ थी लाइन की, जो कुछ गैसेस हैं वो आपस में कंबाइन हुई या ब्रेक हो गए, उन्होंने कुछ अदर गैसेस फॉर्म की. तो कैसे? तो जो सन की जो यूवी रेज हैं वो क्या नाम है, वाटर वेपर पे पड़ी, और वाटर वेपर से हाइड्रोजन गैस अलग हो गई और ऑक्सीजन गैस अलग हो गई. क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या नाम है लाइटर है वेट में, तो वो क्या नाम है एस्केप्ड आउट हो जाएगी. और अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो बाकी गैसेस के साथ कंबाइंड होकर उन्होंने कुछ नए क्या नाम है प्रोडक्ट फॉर्म किए. अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ कंबाइंड होकर प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे वाटर, CO2 और कुछ अलग अलग गैसेस, राइट? और नेक्स्ट इज, अब यहाँ इसके बाद क्या नाम है ओजोन लेयर फॉर्म्ड होती है. ओजोन लेयर फॉर्म्ड हुई तो उसकी वजह से जो यूवी, हार्मफुल यूवी रेज थी वो क्या नाम है अर्थ के एटमोसफेयर में नहीं आई, राइट? अर्थ में नहीं आई, और जिसकी वजह से क्या नाम है आज लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट यहाँ पे है कि अब वाटर वेपर जो है वो कूलिंग के बाद थोड़ा सा क्या नाम है टेम्परेचर क्या नाम है कूल डाउन होने के बाद जो है वो बार क्या नाम है फेल एज अ रेन, क्या नाम है रेन फॉर्म, रेन आई, जिसकी वजह से क्या नाम है जो डिप्रेशन जो फॉर्म्ड हुए थे अर्थ के, अर्थ पे जो क्या नाम है थोड़े बहुत गड्ढे वगैरह जो बने थे, जो डिप्रेशन बने थे, वो क्या नाम है उसमें पानी भरता गया. अब उसमें जब पानी भरा इस तरीके से ओशंस एंड रिवर्स फॉर्म्ड हुए, इस क्या नाम है थियोरी के हिसाब से ऐसे है. और नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एम्स के हिसाब से और क्या नाम है वन मार्कर क्वेश्चंस के हिसाब से, वो यहाँ पे ये है कि लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई 4 बिलियन ईयर्स अगो. सबसे पहले हमारी अर्थ जो है वो 20 बिलियन ईयर्स अगो, और क्या नाम है सॉरी यूनिवर्स इज 20 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ इज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और अगर हम लोग लाइफ की बात करें तो 4 बिलियन ईयर्स अगो, या फिर इसमें लिखा है 5 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ फॉर्मेशन, अर्थ के फॉर्म होने के 5 मिलियन ईयर्स बाद, मतलब कि 4 बिलियन ईयर्स अगो हो गया, राइट? तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज अर्थ ओरिजिन एंड डिफरेंट साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी एक्चुअल में जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. सबसे पहले फर्स्ट जो था पेंसपर्मिया थियोरी. पेंसपर्मिया थ्योरी सबसे पहले दी गई और क्या नाम है ग्रीक फिलोसफर्स ने दी. जहाँ पे भी हम लोग अगर साइंस की बात करेंगे तो ग्रीक फिलोसफर्स हमें हर जगह पे. अगर पेंसपर्मिया थ्योरी के हिसाब से कि कुछ ऐसे जो स्पोर्ट्स थे वो यूनिवर्स में थे और अलग अलग प्लैनेट्स पे गए, जिन अलग अलग प्लैनेट्स पे गए वहाँ पे जाके जर्मिनेट होके आगे बढ़े, और जिसकी वजह से क्या नाम है इनके हिसाब से जो थियोरी ऑफ जो लाइफ है वो पेंसपर्मिया की थ्योरी के रिगार्डिंग आई, राइट? नेक्स्ट इज थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. ओके, थियोरी ऑफ लाइफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहता है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थोड़ा सा इसमें जैसे कि इसमें बोलते हैं कि डिकेइंग और क्या नाम है ऑर्गेनिक मैटर जो था जो थोड़ा बहुत उसमें से या मड हो गए या फिर क्या नाम है मिट्टी हो गई उसमें से क्या नाम है लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट हुई, जो कि एग्जैक्टली ये क्या नाम है इसको वो नहीं दी गई, सराहना नहीं दी गई. और ऑब्वियसली सोचो ओरिजिनेट अगर हम लोग अगर बात करें मतलब मड में से एक ऑर्गेनिज्म क्या नाम है बन रहा है पूरा, तो कैसे अजीब सा लगता है, राइट? तो यहाँ पे जो मेन जो एक्सेप्टेबल थियोरीज थी वो तीन थी यहाँ पे. लुईस पास्टर थ्योरी, इनको माना इसलिए गया कि लाइफ जो है वो अरोज होती है फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स. इनके हिसाब से ये चीज़ जो थी वो क्या नाम है थोड़ी बहुत उसको वो मिली सराहना. और नेक्स्ट जो है ऑपरन एंड हाल्डन थ्योरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट.
ऑपरन और हेल्डन ने जो था उसको यहाँ पे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, यहाँ पे क्या करेंगे इसकी पूरी वो लाइफ फॉर्म वो लिख देंगे पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन राइट, और क्या नाम है पूरी लाइन जो है, और उसके बाद बोलेंगे कि ये थ्योरी किसने दी है, लुइस पैस्टर ने, ऑपरन हेल्डन ने, या फिर क्या नाम है ग्रीक फिलासफर्स ने, या नन ऑफ द अबव। आप लोगों को इसमें वन मार्क वो क्या नाम है वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इज मिलर्स एक्सपेरिमेंट विच इज़ इंपॉर्टेंट, तो लेट्स रीड इट आउट। ओके, अब ऑपरन एंड हेल्डन की अगर हम लोग बात करें तो ऑपरन जो था वो रशिया से था और हेल्डन जो था वो इंग्लैंड से। इन्होंने क्या कहा कि इनके हिसाब से जो लाइफ जो है वो क्या नाम है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई, और ये चीज़ एक्चुअल में ये मानी भी गई। सबसे पहले एक्चुअल में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ओरिजिन हुआ वो आरएनए एंड प्रोटीन्स का ही हुआ राइट। तो यहाँ पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और उसके हिसाब से क्या नाम है हमारे पास क्या नाम है लाइफ ओरिजिनेट जो हुई वो इस तरीके से हुई राइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये लिखा जा सकता है और वहाँ पर पूछा जा सकता है कि ऑपरन और हाल्डन एक्सपेरिमेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे वन मार्क क्वेश्चन के बीच में एक तो ये आ सकता है और क्या नाम है नीट में तो एक दो बार आया भी हुआ है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अर्ली अर्थ एटमोसफेयर कंडीशंस। अर्ली अर्थ एटमोसफेयर कंडीशंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्थ का जब क्या नाम है अर्थ पे जो एटमोसफेयर था, एटमोसफेयरिक कंडीशंस थी वो क्या थी? ऑब्वियसली जब एटमोसफेयर नहीं था तो हाई टेम्परेचर था राइट, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, बिग बैंग थ्योरी वाला एक्सप्लोजन वाला हम लोगों ने भी चीज़ पढ़ी। अब एक चीज़, मिथेन और अमोनिया दोनों गैसेस प्रेजेंट हैं और अगर हम लोग दोनों देखें तो दोनों ही रिड्यूसिंग नेचर के हैं, तो दैट इज़ वाई जो अर्ली अर्थ एटमोसफेयर था वो कैसा था, रिड्यूसिंग एटमोसफेयर, दैट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जब ऑक्सीजन अराइज हुई तो वो हम लोग जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से हुई थी, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। बीजीए दैट इज़ क्या नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, या क्या नाम है साइनो बैक्टीरिया, उसके थ्रू जो है क्या नाम है हमारे पास ऑक्सीजन जो फर्स्ट टाइम मिली वो वहीं से। नेक्स्ट इज एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट। मिलर एक्सपेरिमेंट कब हुआ, कब के नाम है ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, 1950s। मार्क दिस डेट, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स। अब इन्होंने क्या किया, जो अर्ली अर्थ एटमोसफेयर कंडीशंस थी उसको एक क्या नाम है लेबोरेटरी स्केल पे ही क्या नाम है ऑब्जर्व किया, बनाया। ये आप लोगों के पेज नंबर 128 पे है वैसे भी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या नाम है उन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट्स में जब उसको क्या नाम है आपस में वो गैसेस वगैरह को मिक्स किया तो ये ऑब्जर्व किया कि जो उनके पास शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स और ये कुछ फैट्स बने राइट। और कुछ अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्व की ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया था, हाइड्रोजन गैस ली थी, रिड्यूसिंग गैसेस जितनी भी थी मिथेन अमोनिया ये सब लिया गया था, और जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो फॉर्म हुई वो 3 बिलियन ईयर्स बैक हुई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके। आरएनए ने प्रोटीन्स और पॉलीसेक्राइड, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि क्या इसलिए उसको क्या नाम है पर्टिकुलरली स्टेराइज फ्लास्क में डाल दिया जिसमें क्या नाम है ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो वहाँ पे क्या नाम है उस किल्ड ईस्ट से कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या नाम है बने नहीं, क्या नाम है कुछ फॉर्म नहीं हुआ। लेकिन जब वो किल्ड ईस्ट को क्या नाम है एयर के कॉन्टैक्ट में रखा गया तो उससे क्या नाम है ऑर्गेनिजम्स क्या नाम है फॉर्म हुए इनके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, लेकिन बाद में इसको क्या नाम है गलत भी ठहरा गया था। तो मेन जो है वो एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऑपरन एंड हाल्डन एक्सपेरिमेंट। लेकिन नॉलेज हर एक चीज़ की होनी चाहिए बिकॉज एम्स एंड एपीएमटी या सॉरी नीट जो है वो क्या नाम है और कोई चीज़ नहीं इसमें चाहता, तो यहाँ पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड ऑल्सो 12th बोर्ड के नाम है जस्ट प्री बोर्ड शुरू होने वाला है, तो मेक योर के नाम है काफ़ी रिक्वेस्ट थी टाइम टेबल्स वगैरह ऑप्शंस पे, तो इफ़ यू टेल आई एल गोना मेक द वीडियो ऑफ इट। एंड 12th के जो अब प्रैक्टिकल्स जो हैं फिजिक्स प्रैक्टिकल्स बेसिकली आई एम गोइंग टू अपलोड सून, सो स्टे ट्यून फॉर दैट।